तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक पंचमुल में। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे ग्रीन स्क्रीन को लेकर। जहाँ पे आप पीछे देख रहे होंगे, ग्रीन स्क्रीन मेरे पीछे लगा हुआ है। एंड किस तरह से आपको जो है प्रोफेशनली ग्रीन स्क्रीन को हटाना है, एंड किस तरह से आप जो अभी मैं बोलूंगा उस तरह से आपको बोलना है। तो आप देख सकते हैं, ये जो मैंने रिमूव किया है तो आपको देखिए कितना बेटर लग रहा है और कितना कूल लग रहा है। तो इस तरह से आप कैसे रिमूव करोगे, एंड सिंपल एंड इजी वे से बहुत ही कम प्राइस में जो है आप जो है अपने ग्रीन स्क्रीन को हटा सकते हो। यानी कह लीजिए कि आपके पास एक पर्दा होना चाहिए इस तरह से ग्रीन स्क्रीन का, और आप देखिए इस तरह से जो आपका ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो जाता है और आपको काफ़ी कूल लगता है वीडियो। अगर व्यूअर्स देखते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है आपकी वीडियो के साथ, और आपके साथ जो है वीडियो के जितने भी है रैंक वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं, एंड प्रोफेशनल भी आपका लुक्स दिखता है। तो इस तरह से कैसे रिमूव करोगे, इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, नहीं तो आप स्किप कर दोगे अपने वीडियोस को। तो गाइस, वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखना, ताकि आपको जो है स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको मालूम पड़ जाए इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड हाँ गाइस, अगर अभी अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही बेल आइकन को दबा लो, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, मैं यहाँ पे जो है बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए सहायता ले रहा हूँ पावर डायरेक्ट का। तो आप जहाँ आप चाहे वहाँ पे ले सकते हो, लेकिन मेरे लिए जो बेस्ट है वो पावर डायरेक्ट है। तो गाइज़, यहाँ पे मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इमेज पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं जो है सबसे पहले कोई सा एक बैकग्राउंड यहाँ पे ले आता हूँ जो मुझे लगाना है अपने वीडियो पे। तो ये बैकग्राउंड जो है मेरे लिए बेस्ट है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। एंड यहाँ पे फिर से लेयर पे क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करूँगा। एंड वीडियो पे क्लिक करने के बाद जो मैंने वीडियो सेट किया है ग्रीन स्क्रीन से, तो यहाँ पे जो है मैं इसको इसको ले आता हूँ यहाँ पे। एंड इसको ले आने के बाद इसका जो ऊपर वाला लेंथ है उसको भी मैं इस वीडियो के बराबर कर देता हूँ, ताकि जो मेरा बैकग्राउंड है इस वीडियो पे रहे इतना। तो ये मैंने कर दिया, एंड इस वीडियो पे फिर से क्लिक करता हूँ और इसको जो है मैं फ़िट कर लेता हूँ अपने स्क्रीन पे। तो मैंने यहाँ पे अपने स्क्रीन पे इस तरह से फ़िट किया है, एंड यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख रहा है पेंसिल पे, पेंसिल पे मैं क्लिक करता हूँ। एंड इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे दिखेगा क्रोमा की, तो यहाँ पे क्रोमा की पे क्लिक करता हूँ इस तरह से। एंड क्रोमा की पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पेंसिल पे क्लिक करना है। पेंसिल पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पेंसिल आ जाता है। तो इस पेंसिल को यहाँ पे कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे आपको हटाना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको दो ऊपर वाला कलर जो है आपको इस तरह से थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना है जितना चाहे। जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, चलिए इतना हट गया। एंड नीचे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, कलर रेंज और डी नॉइज़। तो आपको इसको एडजस्टमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे कलर रेंज को थोड़ा सा छेड़ता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे जो है कलर थोड़ा सा हट गया है। तो इस तरह से मैंने छेड़ा, और यहाँ पे डी नॉइज़ को भी थोड़ा सा इस तरह से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि जो हमारा है डी नॉइज़ भी है रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे ये जो है इस तरह से जो रिमूव हो गया। एंड यहाँ पे कलर रेंज को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे ऊपर जो कलर्स है इसको थोड़ा सा इधर उधर मैं छेड़ने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो हमारा है परफेक्टली क्लीन हो जाए अच्छे तरीके से। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो आपको यहाँ पे छेड़ते रहना है, जैसे कलर को छेड़ना है, डी नॉइज़ को छेड़ना है, कलर रेंज को इस तरह से थोड़ा सा घटाना है बढ़ाना है, देखना है अपने हिसाब से जो एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये हो चुका है, तो मैं यहाँ पे प्ले पे क्लिक करके प्ले करके देख लेता हूँ थोड़ा सा। प्रोफेशनल ग्रीन स्क्रीन तो यहाँ पे देख हटाना है, सकते एंड हैं किस तरह से काफ़ी आप जो स्मूथ अभी एंड मैं इजी बोलूंगा तरीके से जो उस तरह हमारा से जो आपको है बोलना है। तो आप देख रिमूव हो सकते हैं, ये गया जो है मैंने ग्रीन स्क्रीन, स्क्रीन और आप रिमूव देख किया है सकते तो हैं आपको मेरे कितना हेड बेटर में लग जो रहा है है, कितना थोड़ा सा बेटर लग क्रैक रहा है, हुआ किस है। तरह तो से इसको आप करने कैसे के लिए रिमूव क्या कर रहे हो, करूँगा मेरे वो एंड आप सिंपल देख एंड लीजिए। इजी तो वे सबसे से पहले है। इसको पॉज करते हैं, एंड यहाँ पे एडजस्टमेंट पे जाते हैं, एंड यहाँ पे ब्राइटनेस पे जाते हैं और ब्राइटनेस को भी छेड़ते हैं। जैसे देखिए बढ़ा दिए तो हमारा जो हेयर है और कट हो गया है, तो आपको क्या करना है कम करना है। तो यहाँ से मैं उसको ब्राइटनेस को और थोड़ा कम कर देता हूँ, ये ठीक रहा। अब कॉन्ट्रेस्ट को थोड़ा सा छेड़ करके देखता हूँ, छेड़खानी करके। तो यहाँ पे कॉन्ट्रेस्ट मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रेस्ट को थोड़ा सा और ही बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ कॉन्ट्रेस्ट को बढ़ा दिया मैंने, और सैचुरेशन को वो 100 है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा छेड़ता हूँ। ये हमारा जो हेयर को ओवर कट कर रहा है, तो मैं इसको इससे छेड़खानी मुझे नहीं करना है, इसको जितना चाहिए उतना ही मैं रख देता हूँ। ये 100 था, इसको मैं 100 पे ला के रख देता हूँ, ताकि जो हमारा कुछ छेड़खानी ना हो। ये बार बार हो जाता है, आपको ध्यान देना है। और टेम्परेचर, टेम्परेचर को थोड़ा सा फेस चढ़ कर देखता हूँ। चलिए ये हमारा जो फेस को थोड़ा सा
हाईलाइट किया है यानी ब्राइटनेस को बढ़ा दिया है। एंड यहाँ पे टिंट पे क्लिक करके थोड़ा इसका कलर देखता हूँ, तो टिंट पे भी मैंने इसके क्लिक किया और इस तरह से आ गया है। और यहाँ पे सेव शार्पनेस, इसको मैं हमेशा यूज़ करता हूँ ताकि जो ये मेरा रिकॉर्डिंग है वो HD की तरह दिखे, तो थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ इस तरह से। एंड इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको नीचे इससे करता हूँ तो ये बड़ा हो गया। अब इस वीडियो को मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। बहुत ही कम प्राइस में जो है आप जो है अपने ग्रीन स्क्रीन को हटा सकते हो, यानी कह लीजिए कि तो यहाँ पे आपके गाइस पास देख एक सकते पर्दा हैं होना। काफ़ी स्मूथ एंड कूल तरीके से जो है आपका ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो जा रहा है। एंड आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि आपको जो है बहुत सारा लाइट सेटअप करना पड़ेगा और कुछ भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास लाइट नहीं है, नेचुरल लाइट से मैंने इसको रिकॉर्ड किया है और इसको हटाया है। तो गैस इस तरह से जो है आप ग्रीन स्क्रीन को हटा सकते हो एंड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से आप जो रिकॉर्ड करोगे और वीडियो को बनाओगे तो आपका जो वीडियो क्वालिटी है काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। तो आपको इसी तरह से जो है अपने ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है। तो आई होप यू गाइस आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा गाइस इस तरह से ग्रीन स्क्रीन हटाना, तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से देख लिया होगा। तो आई होप यू गाइस ये वीडियो आप सभी लोगों को आपकी पसंद आया होगा। गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे एंड स्क्रीन पर जरूर से क्लिक करना, क्योंकि वहाँ पर मैं जो है इससे रिलेटेड जो है स्क्रीन एंड स्क्रीन लगा देता हूँ, तो वहाँ पर आप उसको देख भी सकते हो। साथ ही गाइस मिलते हैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।